सो गाइज, ये है हमारी बोनस डे सीरीज। और अगर आप 12th क्लास स्टूडेंट हैं और इंग्लिश एग्जाम के अंदर आप अपने सबसे बेस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, जो स्टेप्स गिवन हैं, उनको जरूर फॉलो करिए और उसी के बाद इस वीडियो को भी कंटिन्यू करिएगा। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं कराना चाहता हूँ आपको एडवर्टीजमेंट का टॉपिक, और वो है मिसिंग कैटेगरी के लिए, जो कि हमारे एडिशनल टॉपिक्स में से एक है। मिसिंग और लॉस का मतलब हुआ जब कोई चीज खो जाती है, तो उस टाइम पे हम उसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। मैं आपको दोनों केसेस के अंदर इसको कराने वाला हूं, तो देखिए बोर्ड पे मेरे साथ। तो गाइस, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट है हमारा लॉस। मिसिंग मैं आपको बता दूं कि एडवर्टीजमेंट जो भी होता है वो 50 वर्ड्स के अंदर अंदर ही लिखा जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन की भी और किसी वस्तु की भी। मतलब अगर कोई व्यक्ति खो जाता है तो उस टाइम पे कैसे लिखेंगे, और अगर उसकी कोई चीज खो गई है तो उस टाइम पे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लू प्रिंट में गाइस आएगा टाइटल। टाइटल में मतलब हु, मतलब कौन खोया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्हाट, या कोई चीज है तो क्या चीज खोई है उस चीज की हम बात कर रहे हैं, क्या टाइम था, कब खोई थी, कौन सा दिन था वो बता सकते हो, प्लेस के बारे में बता सकते हो, कहाँ से खोई है वो चीज़। अब वो चीज़ जो है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, या उस पर्सन का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डिटेल्स दे सकते हो। डिटेल्स में एक फिक्स डिटेल आएगी और एक एडिशनल आएगी। फिक्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे मान लो हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर्सन के लिए एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन आ सकता है। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट होएगा तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसका कलर आ सकता है, ब्रांड आ सकता है, ये सब कुछ आ सकता है, ठीक है। एडिशनल डिटेल का मतलब होता है एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन तो फिक्स है, एडिशनल में मतलब हम उसके अपीयरेंस के बारे में, उसके लुक्स के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन में हम उसके अपीयरेंस, क्लोथ्स के बारे में, या किसी स्पेसिफिक डिटेल के बारे में बता सकते हैं, जैसे किसी के फेस पे तिल है, या कोई हकलाता है, या कोई ज़्यादा बोलता है, या ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भी अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल है तो हम वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में पर्पस में क्या आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब जो भी पर्सन जिसको ये मिलेगा उसे कॉन्टैक्ट करना है नीचे दिए गए नंबर पे, तो हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को दे देंगे और अपने नाम भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सामने बोर्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कर लेना अगर आपने बाकी की सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है तो, क्योंकि जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उसमें इसका जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे नोट कर लेना। तो गाइस, क्या है फॉर्मेट देख लीजिए, मैंने ब्लूप्रिंट बताया, ब्लूप्रिंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप खुद भी लिख सकते हो। और शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना है, कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट है क्लासिफाइड कैटेगरी का। सबसे पहले टॉपिक मैंने डाल दिया मिसिंग, मान लेते हैं हमारा टॉपिक है मिसिंग, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम डाल सकते हैं, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर गाइज अ बॉय हैज़ बीन मिसिंग फॉर लास्ट टू डेज, तो यहाँ पे आपका आ गया कब खोया है, टाइम आ गया, और कहाँ से खोया है, फ्रॉम तिलक नगर, फिर उसकी फिक्स डिटेल में 7 ईयर्स का है, उसकी हाइट क्या है 3 फीट 5 इंचेस है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ये सब हमने बता दिया। अब इसके अलावा एडिशनल डिटेल बता सकते हैं हम, जैसे कि वीरिंग अ रेड टी शर्ट पहनी है, फुल स्लीव्स की, विद ब्लैक ट्राउजर्स पहने हैं, और हमने कोई स्पेसिफिक डिटेल भी बता दी कि वो स्टैमर करता है, कॉमा डाल के ही लिखना है हमें, ही स्टैमर्स करके नहीं लिखना, डायरेक्टली स्टैमर लिख दो क्योंकि आप उस बच्चे की बात कर रहे हो। तो स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग कॉमा मोल ऑन राइट चीक, मतलब उसके राइट गाल पे एक तिल है, मोल मतलब तिल होता है। Whoever found is requested to contact on the numbers given below. मतलब जिसको मिलेगा तो प्लीज वो कॉन्टैक्ट करे। Handsome reward will be given to the founder. मतलब जिसको मिलेगा और जो कॉन्टैक्ट करेगा उसको handsome prize दिया जाएगा, reward दिया जाएगा। और last में हमने लिख दिया kindly contact VK Sharma, मतलब जो person है उसका नाम जिसको contact करना है, और उसका number हम कोई भी assume करके डाल सकते हैं। तो guys, I hope आपको ये जो category है वो समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी। सो गाइज, हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आर्टिकल फॉर सेल। आर्टिकल फॉर सेल का मतलब होता है प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, उसको बेचने के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कार हो गया, या इसके अलावा कोई फर्नीचर का सामान है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखते हैं गाइज आर्टिकल फॉर सेल के अंदर। पहली चीज़ क्या है जो बेचना है आपको, टाइटल में तो फॉर सेल आ सकता है। हाउ मच यूज़, कितना यूज्ड है वो, कोई स्पेसिफिक डिटेल भी दे सकते हो, जैसे उसका कलर या मॉडल, अगर कार है, बाइक है तो ठीक है। कंटेंट में फिक्स डिटेल, फिक्स डिटेल का मतलब फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन है ना, तो फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन आई थी वो उसकी फिक्स डिटेल है। हालांकि हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल फिक्स मतलब जो उसके साथ में आई थी, जैसा वो था। समझ में आ रहा है? क्लियर। और इसके अलावा एडिशनल में मतलब हम कोई भी एडिशनल डिटेल दे सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है तो स्क्रैचलेस कंडीशन में है भाई, बिल है उसके साथ में, ये है वो है साथ में, ब्लूटूथ भी दे रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे सेलर से हमारे को क्या बनाएगा, डिफरेंट बनाएगा। समझ में आ रहा है? और एक्सपेक्टेड प्राइस भी हम यहाँ पे
लिख सकते हैं, ठीक है। सेल कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड प्राइस भी हम लिख सकते हैं, और लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, सामने से आप नोट कर सकते हो बाद में, दैट इज फॉर सेल। फॉर सेल के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए फोन के लिए कर रहे हैं, कार के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी। आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा दिमाग लगाना होगा और सोचना होगा कि मैं कौन से पॉइंट्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो जैसे अब ब्रांड न्यू रेडमी नोट 5 प्रो अवेलेबल, तो क्या है वो, हो गया 10 डेज ओल्ड, सिर्फ 10 दिन पुराना है, ठीक है। कई लोगों को लगता है चोरी का तो नहीं है, ठीक है। कॉमा गोल्डन शेड कलर आ गया, फिर फिक्स्ड डिटेल। फिक्स्ड डिटेल में हमने लिखा 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है, 6 इंचेस फुल HD डिस्प्ले है, 16+5MP रियर कैमरा, मतलब जो बैक कैमरा है, एंड 16MP फ्रंट कैमरा है। अब ये हमारी सारी फिक्स डिटेल हो गई। उसके बाद कॉमा स्क्रैचलेस कंडीशन है, विद ऑल एसेसरीज, जेन्युइन बिल है। कहने का मतलब देखो, आपको ये नहीं करना कि आप हर जगह पे लिख रहे हो कि इट हैज स्क्रैचलेस कंडीशन, इट हैज 16MP कैमरा, ऐसे प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं लिखने। कॉमा डाल के आपको शॉर्ट तरीके से ही लिखना है, वारंटी एक्सटेंडेड है, तो ये सब लिख दिया। और एक्सपेक्टेड प्राइस भी इसमें हाथ में ऐड कर सकते हो, इसके बाद में मैंने किया नहीं है यहाँ, वो भी लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड प्राइस 5K 6K 7K जो भी है, 7000। इंटरेस्टेड बायर्स मे कॉन्टैक्ट, मतलब जो खरीदना चाहता है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, पर्सन का नाम, और ये आ गया। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन है।